नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। क्रिकेट के मैदान पर धूम मचाने के साथ पाकिस्तान को चैंपियन बनाने के बाद इमरान खान ने अपना रास्ता चुना राजनीति का। अपनी पार्टी पीटीआई की स्थापना की और इसके बाद ही वो पाकिस्तान की राजनीति में कूद पड़े। हालांकि शुरुआत में इमरान खान को लगातार हार मिली और इमरान खान के हिस्से में जीत नहीं आए, लेकिन इमरान ने हार नहीं मानी और लगातार वो राजनीति में जुटे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इमरान खान की पार्टी 2018 में शानदार तरीके से जीत दर्ज करती है और इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं। 2018 से अप्रैल 2022 तक इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में रहते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका काम भी ठीक ठाक रहा, देश और दुनिया से पाकिस्तान के संबंध भी ठीक हो रहे थे, लेकिन आर्मी के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से बगावत की उसके बाद उनके दिन इतने बुरे शुरू हुए कि इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और अब इसी के साथ कहा जाने लगा है कि इमरान खान का सपना दोबारा प्रधानमंत्री बनने का कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 2-3 गलतियां इतनी बड़ी की हैं कि उसकी माफी पाकिस्तान की आर्मी उन्हें कभी भी नहीं देगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इमरान खान की कौन सी हैं 3 बड़ी गलतियां जिसकी वजह से अब वो दोबारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शायद कभी नहीं बन पाएंगे। आईएसआई चीफ की नियुक्ति पर बवाल। इमरान खान जब पीएम थे उस समय उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के मुखिया की नियुक्ति को लेकर बवाल किया था। साल 2019 में पहले उन्होंने वर्तमान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को आईएसआई मुखिया बनाया। हालांकि कुछ दिन बाद चीजें खराब हुई, फिर उन्हें हटाकर जनरल फैज हामिद को जिम्मेदारी दे दी। कुछ दिनों तक चीजें सही चलती रही, लेकिन 2021 में नया चीफ ढूंढना था तो तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ये पद देने के लिए दम भरा। इमरान को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया, खूब तकरार हुई दोनों के बीच, आखिरकार इमरान को हार माननी पड़ी और नदीम अंजुम को ही आईएसआई चीफ बनाना पड़ा। सेना के खिलाफ खूब बोले। सत्ता जाते ही इमरान खान ने सेना और जनता के बीच मतभेद पैदा किया, आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खूब जलील किया, जिसके बाद उनके खिलाफ पाक आर्मी ने एक्शन भी लिया और इस तरीके से इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता से दूर होते गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 बड़ी गलतियां इमरान खान की रही हैं, जिसकी वजह से अब इमरान खान पाकिस्तान के दोबारा शायद प्रधानमंत्री कभी न बन पाए, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाक आर्मी से दुश्मनी लेने के बाद पाकिस्तान में किसी की भी हालात ठीक कभी नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही देश की सत्ता चलाती है। ऐसे में इमरान खान ने आर्मी से ही बगावत कर ली है। हालांकि अब इमरान खान यू टर्न लेते हुए आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शायद ही अब वो दोबारा सत्ता में वापसी कर पाए। फिलहाल पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं और दिनों दिन वहां की हालत खस्ता होती जा रही है, इकोनॉमी गर्त में है और शहबाज शरीफ सरकार और इमरान खान आमने सामने हैं और टकरार जारी है।